वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के इतिहास से टॉप 500 MCQ सॉल्व करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के हो चुके हैं, साइंस के हो चुके हैं, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन, अर्थात अब देखेंगे 1500 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। हर सब्जेक्ट से लगभग 1000 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे एक क्लास आती है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इन क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्लासेस ऐड कर दी हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कीजिए चैनल पर, सारी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर आप RO री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, या इन क्वेश्चन की भी आपसे PDF पाना चाहते हैं, PDF नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, इसके साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर भी पा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है UPSC 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक समय दे दिया गया है। और कुछ बच्चे जो UPSC के द्वारा एग्रीकल्चरल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप ऐप पर विजिट करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें आप देखेंगे, चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इन नंबर्स पे जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग इस सेट में सॉल्व कर चुके थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ऑप्शन ए है पंड, ऑप्शन बी है तोल, ऑप्शन सी है काकड़ी और ऑप्शन डी है दीनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मौर्य काल में आप देखेंगे जो मुद्रा थी उसका नाम था पंड। 102nd क्वेश्चन है, गवर्नर जनरलों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें गवर्नर जनरल देख लीजिए कौन कौन से हैं, वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, थर्ड है जॉन सोर और फोर्थ है लॉर्ड वेलेजली। अब इनको देख करके बताना है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है गवर्नर जनरल को। तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग का टाइम मैं बता देती हूँ, इनका था 1773 से 1785, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय था 1786 से 1793, ठीक है। अब जॉन सोर का टाइम देख लीजिए, 1793 से 1798 तक था। और वेलेजली के टाइम की अगर मैं बात करूं तो इनका टाइम था 1798 से 1805 तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4 अरेंज करके दिया गया है। 103rd क्वेश्चन है, गवर्नर जनरलों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एक बार फिर से आपको सारे गवर्नर जनरल को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इसमें पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सेकेंड है एमहर्स्ट, थर्ड है हेस्टिंग और फोर्थ है जॉर्ज बार्लो। तो सबका एक बार मैं आपको टाइम पीरियड बताऊंगी और उनके अनुसार आप अपना ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले देखिए विलियम बेंटिक का जो टाइम पीरियड है वो है 1828 से 1835, ओके। एमहर्स्ट का टाइम पीरियड देख लीजिए 1823 टू 1828। अब अगर हेस्टिंग की बात करूँ मैं तो इनका टाइम पीरियड है 1813 टू 1823। नेक्स्ट है जॉर्ज बार्लो, इनका टाइम पीरियड भी मैं बता दे रही हूँ तो इनका टाइम पीरियड है 1805 टू 1807। तो सारे क्लियर हो गए। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 3, 2, 1 इज़ द राइट आंसर। 104th क्वेश्चन है, अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं सारे गवर्नर जनरल को। पहला है मेटकॉफ, सेकेंड ऑकलैंड है, थर्ड डलहौजी है और फोर्थ है एलनबरो। सबको एक एक करके देख लीजिए और ये जो आपको ऑप्शन दिए गए इन्हीं के अनुसार आपको अपना उत्तर देना है। इसका राइट आंसर देखिए, सबसे पहले मेटकॉफ का टाइम पीरियड देख लीजिए, 1835 टू 1836 तक टाइम पीरियड है मेटकॉफ का। ऑकलैंड का टाइम पीरियड देख लीजिए वो है 1836 टू 1842।
डलहौजी का टाइम पीरियड अब इसके बाद आप देखेंगे 1848 से आ जाता है 1856 तक। एलनबरो की बात करें तो इनका टाइम पीरियड हो जाएगा 1842 टू 1844। अब इसी के अनुसार आप अपना उत्तर ढूंढ लेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 4, 3 इज द राइट ऑर्डर। 105th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं सारे गवर्नर जनरल। मेयो दिया गया है, कैनिंग को दिया गया है, लॉरेंस और नॉर्थब्रुक है। तो टोटल 4 गवर्नर जनरल दिए गए हैं, इन्हीं के अनुसार बताना है इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन ऑप्शंस को देख करके अपना सही उत्तर चयन कीजिए, लेकिन मैं बता देती हूँ तो मेयो का टाइम पीरियड रहेगा 1869 to 72, ठीक है, 1869 से 72 तक का जो समय है मेयो का रहेगा। अब कैनिंग का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो देख लीजिए। कैनिंग का टाइम पीरियड है 1858 से 1862, इससे पहले भी ये रहे थे, लेकिन इससे पहले आप देखेंगे गवर्नर जनरल रहे थे 1856 से 1857 तक, उसके बाद ये वायसराय बन गए थे। तो 1856 से 1862 तक कैनिंग रहते हैं। और मेयो का टाइम पीरियड मैं बता चुकी हूँ, इसके बाद लॉरेंस का देख लीजिए। तो लॉरेंस का हो जाएगा 1864 to 1869। और नॉर्थ ब्रुक का जो टाइम पीरियड है वो है 1872 to 1876। तो इसके अनुसार आप अपना सही उत्तर चयन कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 1, 4। 106th क्वेश्चन देखिए। सब फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए गवर्नर जनरल हैं, रिपन है, थर्ड डफरिन है, फोर्थ कर्जन है। तो एक एक करके आप इनको देख करके अपने सही उत्तर का आंसर दें। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो रिपन का जो टाइम पीरियड है वो 1880 से 1884 हो जाएगा, और लिटन का जो टाइम पीरियड है वो देख लीजिए 1876 से 1880 हो जाएगा। नेक्स्ट है डफरिन। डफरिन का टाइम पीरियड है 1884 से 1888। ओके, लास्ट में जो कर्जन दिया गया है तो कर्जन का टाइम पीरियड है 1899 to 1905। अब इनको अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो आंसर राइट हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 107th क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के स्थलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला आलमगीरपुर है, दूसरा रोपड़ है, तीसरा बनावली है और चौथा राखीगढ़ी है। तो इनको नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी। सबसे पहले इसमें रोपड़ है, ठीक है, रोपड़ के बाद आप देखेंगे बनावली है, बनावली के बाद आलमगीरपुर और सबसे लास्ट में राखीगढ़ी आएगा। ऑप्शन बी इज राइट। 108th क्वेश्चन है। वैदिक काल के महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नॉर्थ टू साउथ लगाना है। इसमें पहला काशी है, सेकंड कंबोज है, थर्ड कुरु है और फोर्थ अस्मक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर चूज कीजिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इसमें आएगा कंबोज, कंबोज के बाद कुरु, कुरु के बाद है काशी और काशी के बाद अस्मक। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिला लेखों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है, नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करना है। इसमें पहला है सहबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेहरा और थर्ड है कालसी, फोर्थ है कले। तो इनको व्यवस्थित क्रम में लगाना है उत्तर से दक्षिण की ओर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसमें देखिए सबसे पहले सहबाजगढ़ी है, फिर मानसेहरा, कालसी और कले। तो 1, 2, 3, 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 110th क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तंभ लेख को पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित कीजिएगा। अब तो वेस्ट टू ईस्ट की साइड पूछा गया है, इनको लगाना है। पहला है कौसाम्बी, सेकंड है रुमिंदई, थर्ड है लौरिया नंदनगढ़ और फोर्थ है टोपरा। इन अभिलेखों को व्यवस्थित क्रम में लगाना है पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके सही उत्तर का चयन करना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सबसे पहले टोपरा आएगा वेस्ट साइड पे, नेक्स्ट है कौसाम्बी, इसके बाद रुमिंदई है और सबसे लास्ट में लौरिया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफाओं को कालानुक्रम में सजाइए। इसमें पहले हैं अबू बकर, सेकंड है उस्मान, थर्ड अली और फोर्थ है उमर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 4 इस्लाम के जो प्रमुख खलीफा हैं उनको लगाना है। ऑप्शंस देख करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले अबू बकर आते हैं, उसके बाद उमर, उमर के बाद है उस्मान और फिर अली। ऑप्शन सी करेक्ट है, 1, 4, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का शासनकाल जो वर्षों में दिया गया है, ईयर्स के फॉर्म में,
उनको अवरोही क्रम में लगाना है। सबसे पहले तुगलक वंश, मामलूक वंश, लोदी वंश और सैयद वंश दिया गया है, इनको लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ईयर वाइज। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनको देख करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड रहता है वो तुगलक वंश का, नेक्स्ट है मामलूक वंश, थर्ड नंबर पे आएगा लोदी वंश, देन है सैयद वंश। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1, 2, 3, 4, जिसमें तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो 1320 से 1412 देखेंगे इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, 1412 ईस्वी। अगर मामलूक डायनेस्टी की मैं बात करूँ तो इसका टाइम पीरियड था 1206 से 1290। ठीक है, लोदी वंश का देख लीजिए, ये था इनका टाइम पीरियड 1451 से 1526। ठीक है, ये याद रखिएगा। बचता कौन है, सैयद वंश। तो सैयद वंश का जो टाइम था वो था 1414 से 1451। तो ईयर वाइज अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तुगलक डायनेस्टी का था। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपने देखा जो ऑप्शन के अनुसार है, मामलूक, लोदी और फिर सैयद वंश। अगला प्रश्न है, विजयनगर आने वाले विदेशी यात्रियों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहले है अब्दुल रज्जाक, सेकंड है निकोलो कोंती, थर्ड है बारबोसा और फोर्थ है पायस। इनको अरेंज करना है इनके आने के क्रम के अनुसार। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर चूज़ कीजिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इसमें निकोलो कोंती आता है, उसके बाद अब्दुल रज्जाक, फिर बारबोसा और सबसे लास्ट में पायस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2, 1, 3, 4। 114th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए दिल्ली सल्तनत का दिया गया है टाइम पीरियड, मामलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश के बारे में। अब इनके ईयर दिए गए हैं तो देख लेते हैं इनका शासनकाल। तो मामलूक वंश का समय दिया गया है 1206 से 1290 ईस्वी, सेकेंड खिलजी वंश दिया गया है 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक 1320 से 1414 और लोदी वंश दिया गया 1415 से 1526। कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, वो ऑप्शन आपको चूज़ करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी मैंने आपको बताया था लोदी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो 1451 टू 1526 था, ना कि 1415। तो यही गलत दिया गया था और यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 115th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन ए है मिलिनपनु, ऑप्शन बी है महावस्तु, ऑप्शन सी है उदान और ऑप्शन डी है कलावंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से कलावंश बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ नहीं है। इसके अलावा जो भी दिए गए हैं तीनों ऑप्शन इसमें बौद्ध साहित्य से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। केशव चंद्र के ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, ऑप्शन बी है विनोबा भावे ने मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा और ऑप्शन डी सी नारायण गुरु ने अरबीपुरम आंदोलन की स्थापना की या शुरुआत की। तो कुछ एसोसिएशन दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड व्यक्ति दिए गए हैं और बताना है कौन सा एक ऑप्शन है जो सही नहीं दिया गया है। और इसका राइट आंसर आप चूज़ करेंगे ऑप्शन बी, मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी वीरेश लिंगम पुंतलू ने। ओके, इसका टाइम पीरियड था 1892 में। ठीक है, तो 1892 में इसकी स्थापना हुई थी मद्रास हिंदू एसोसिएशन की वीरेश लिंगम पुंतलू के द्वारा। इनको याद रखिएगा, बाकी सारे आपको करेक्टली मैच्ड दिए गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत आने वाले यूरोपीय देशों में से सबसे अंतिम था। मतलब पूछा गया है यूरोपीय कंपनी जो भारत में उनमें सबसे लास्ट में कौन सी कंपनी आई थी। डच ऑप्शन ए है, अंग्रेज ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है फ्रेंच और ऑप्शन डी है पुर्तगाली। इसका राइट आंसर आप चूज़ करेंगे ऑप्शन सी, फ्रेंच सबसे लास्ट में आए थे। अगला प्रश्न है, बादशाह नामक किस मुगल शासक के बारे में कहा जाता है। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है शाहजहां। इसका करेक्ट आंसर चूज़ करेंगे ऑप्शन डी, शाहजहां के लिए बादशाह नामा यूज़ किया जाता है या इनके बारे में इनसे संबंधित है। 119th क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिया गया था। ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1923 में, ये ऑप्शन डी है 1924 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1922 में। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में कौन शामिल थे। ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस,
ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी अर्थात ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सभी के सभी असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपका कोई भी सुझाव है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चंस आगे आपको मिलते हैं, इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तो उसके लिए नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा। इसके अलावा आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।